भी हमारे घर में आ जाए तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति है कि इसमें उसे भी भगवान की तरह हम पूज कर उसका स्वागत करते हैं। और हमारे घर में जब मेहमान आता है तो हम पलक पावड़े बिछा देते हैं कि आने वाले मेहमान को किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। लेकिन आज इन सब बातों के बीच में मैं खास तौर से युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्ग किस रूप में आपको शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा के साथ साथ आप एक बात की शिक्षा और ग्रहण करें कि बड़े होकर इनका नाम रोशन करेंगे। साथियों, कहा जाता है कि हर ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कहा जाता है कि स्वर्ग मिलेगा अच्छे काम करोगे तो, बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं कि स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। जब अपने माता पिता को स्वर्ग मिल जाता है, जिस माता पिता को उसके बेटे के नाम से जाना जाता है, उसी दिन उस माता पिता को स्वर्ग मिल जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो माता पिता, हमारे बुजुर्ग हैं, जब भी उनका बेटा नौकरी लग जाता है तो बड़े गर्व के साथ वो पूरे गांव में घूमते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है उनको कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। क्योंकि नौकरी मिली है, कमाओगे आप सब कुछ, लेकिन उनको इस आशा के साथ कि मेरा जो आने वाला बेटा है। इस जीवन के अंदर आप जहां हर व्यक्ति से प्रतिस्थापता है, वो पहला एक ही माता पिता है जो अपने बेटे को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। तो हम सबको सदैव ये याद रखना है और ये कोशिश करनी है कि किसी भी कभी भी कोई ऐसी बात हमारे मुंह से नहीं निकले जो अपनी माताओं को, अपनी बहनों को और अपने भाइयों को और अपने बुजुर्गों को उससे ठेस पहुंचे। अगर गलती से हो भी जाए तो इसके अंदर कभी अपने आप में, मैं तो नौजवान साथियों कहना चाहूंगा आपको, कभी इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद में जाकर कह दे मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं। क्योंकि माता पिता तो वो समुन्दर है जिसमें चाहे खारा हो, मीठा हो, कैसा भी हो, वो अपने आप में समेट लेता है। और हम सबको इस बात का गर्व भी होना चाहिए कि हमने अपने माता पिता की वजह से इस पावन धरा को देखा। मैं साथियों एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको, जो इस वक्त खास तौर से जब भी कहीं शाम को जाने का मौका मिलता है तो एक बात जरूर मिलती है कि हमारे यहाँ अब शराब का सेवन बहुत ज्यादा होने लगा। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं साथियों, और आपसे खास तौर से युवा साथी यहां बैठे हुए हैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय था कि एक बार दिल्ली के अंदर जब अकबर बैठा हुआ था और ये कह रहा था कि यहां के जो हमने कथाएं सुनी थी कि इस राजस्थान की धरा हो, हरियाणा की धरा हो, पंजाब की धरा हो या हिंदुस्तान की इस धरा के ऊपर वीर बहुत होते हैं, लेकिन हमने तो कहीं वीर नहीं देखे। सब लोग जो मुगल दरबार में बैठे हुए थे, जब अकबर ने कहा तो वो उसकी हां में हां मिलाने लगे कि आपका जैसा कोई भी वीर नहीं है साहब। जोधपुर का जिसको राव की उपाधि थी, राव रणमल जी खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे कि हे अकबर, तुमने अगर हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है तो भाई को भाई से मरवाकर, बाप को बेटे से मरवाकर इस प्रकार से राज किया है, कभी वीरता की बात मत करना। इस धरा के ऊपर तो ऐसे ऐसे वीर भी पैदा हुए हैं जिनका सर कट जाए फिर भी युद्ध भूमि में मैदान नहीं छोड़ते, वो युद्ध करते रहते हैं। तब अकबर ने कहा कि सिर्फ ये सुनने की बातें हैं, अगर धड़ कट गया तो फिर युद्ध कोई नहीं कर सकता, अगर तेरे सामने कोई ऐसा है तो लेकर आओ। राजा रणमल जिसको राव की उपाधि थी वो वापस जोधपुर चले गए। जोधपुर जाकर और वो सोच विचार करने लगे कि मैंने अकबर से इतनी बड़ी बात कही, इस बात का क्या रहे। उसके थी एक धाई और धाई के घर चला जाता है। जब धाई का पति सामने आता है तो वो कहता हो राव साहब आओ भोजन करो। बोले भोजन कौन करूं भाई। बोलो क्या बात। बोलो मेरी इच्छा पूरी करे तब तो मैं भोजन करूं, वरना भोजन नहीं करूं। बोलो आप आज पहले भोजन करो फिर बताना। बोलो नहीं,
बोलो पहले भोजन करो आप। जब राव रणमल जी को भोजन परोस देते हैं उसके बाद में कहते हैं आप बताओ, तब वो पूरी बात अकबर के दरबार में हुई वो बताता है, तब वो हंसने लग जाता है और हंसता हुआ कहता है कि मैं जाके अपने गुजरे से पूछता हूं कि उसके दूध में कितनी शक्ति है, तब जाकर आपको वापस आकर उत्तर दूंगा। वो अपना जो ढाबा ही थे वो अपनी गुजरी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि राव रणमल जी आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे में इतनी शक्ति है अगर उसका शीश भी कट जाए तो युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करेगा। तब वो कहती है मेरा बड़ा बेटा जिसको परकोटे के बाहर छोड़ देना अकेले, शीश कटने के बाद भी युद्ध करेगा, लेकिन छोटा बेटा जिसको मैंने दूध, जब वो पैदा हुआ तो उसको दूध नहीं मिल पाया, मैंने दूध नहीं पिला पाया, तो वो सिर्फ परकोठे में लड़ेगा। ये बात सुनकर राव रणमल जी दोनों बेटों को साथ लेकर और दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली जाकर अकबर से कहते हैं कि आपके सामने मैं दो नौजवान लेकर आया हूं, एक नौजवान 14 साल का है, एक नौजवान 18 साल का है, आप अजमा लीजिए भाग। तब अकबर कहता है इसका शीश उतारो। बोले ऐसे नहीं, आप अपने लड़ाके भेजिए और इन लड़ाकों से इसका शीश उतरवाइए। तब 100 मुगल सैनिक जो अपने आप में बहुत दिल्ली दरबार में रहते थे वो तब 100 सैनिक उसको मारने जाते, तो अकेले ने 100 के 100 सैनिक खत्म कर दिए और उसके बाद में 500 सैनिकों को खत्म करने के बाद लेकिन वो फिर भी हारा नहीं। तब अकबर के पास बैठा हुआ जो वजीर था जिसको हम काजी बोलते, उसने कहा अकबर कर क्या रहा है, अगर ये लड़का ऐसे ही लड़ता रहा तो आपके सैकड़ों सैनिक नहीं हजारों सैनिकों को खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी ये मरने का नाम नहीं लेगा। जब बंदूक उठा के उसके सीने में मारते हैं उसका भेजा निकल जाता है और भेजा कटने के बाद जब छोटा भाई बैठा हुआ था उससे देखा नहीं गया कि बड़े भाई के सर में गोली लगी, उसका भेजा निकल गया, और क्रोध में आके तलवार निकाल के फिर जैसे ही अकबर के ऊपर वार करने लगता है उसका अब उसके धड़ उसका पूरा जो सर था वो अलग कर देते, लेकिन उसके हाथ से तलवार नहीं छूटती और सबको काटता हुआ जाता है। और तब जाकर पूरे मुगल साम्राज्य में हाहाकार मच जाता है कि अगर एक गुजरी ने दो बच्चों ऐसे दो दो बेटों को जन्म दिया है तो आने वाले समय में क्या होगा। तब उसका जब जो वो काजी बैठा हुआ है, अगर कजे इनको खत्म करना है तो इनकी एक ही दवा है और वो दवा क्या है, कजे इनके ऊपर दारू का छिड़काव करो दोनों बच्चों के ऊपर। और जैसे ही दोनों बच्चों के ऊपर दारू का छिड़काव करते हैं वो शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, हमारी संस्कृति में तो दारू का कहीं कोई सेवन का नाम ही नहीं है, ये उन मुगलों के अंग्रेजों की चलाई हुई है संस्कृति है। इस संस्कृति को उखाड़ फेंकिए, आपके सामने खड़ा होने वाला पूरे विश्व में कोई नहीं है। आज पूरा विश्व भारत के नौजवान की तरफ देख रहा है, अगर भारत का नौजवान आज भी शराब पीता रहा तो फिर हमारा क्या होगा, इस देश का क्या होगा, फिर ये देश जो पूरे विश्व पर राज करने वाला है। इसके लिए मैं नौजवान साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि नौजवान साथियों इस दारू का सेवन मत करो, क्योंकि दारू के सेवन हमें कहीं हमारी कहीं संस्कृति में नहीं है। आप लोग अपनों से बड़ों का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ो, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ो और इन सब के हमारे आपस में विकास के लिए काम करो। आप सबने जो मान और सम्मान मुझे दिया आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब।